राघव और राज बिजलवाड़ की लंठौर पर लिखी कविताओं के संग्रह लॉगिंग्स ऑफ लंठौर का लोकार्पण बतौर मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्र उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी जो इस युवा उम्र में निराशा में जी रही है, ऐसे में इन दोनों भाइयों ने अंग्रेजी कविताओं की पुस्तक लिखकर उनको प्रेरणा भी दी है। नगर पालिका सभागार में राघव और राज विजलबाड़ की पुस्तक लॉगिंग्स ऑफ लंठौर के लोकार्पण के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा है कि मसूरी को पूरे विश्व में बड़े गर्व से जाना जाता है, लेकिन समय के साथ साथ आए बदलाव के चलते इन दोनों भाइयों ने मसूरी विशेषकर लंठौर की पुरानी यादों को संजोने का प्रयास किया है। वहीं आने वाले समय में इसे कैसे बचाया जा सकता है, इसके पुराने अस्तित्व पौराणिकता को कैसे बचाया जा सकता है, इसकी चिंता अपनी कविताओं के माध्यम से की है। उनकी ये पुस्तक समाज को दिशा देगी। उन्होंने लव, लॉगिंग और होप की बात की है। उनकी ये सोच उनकी प्रतिभा का परिचय देती है जो एक चुनौती है। लंठौर को बचाने के लिए सरकारी तंत्र राजनीति नहीं कर सकते, ये सामाजिक जिम्मेदारी है। सभी को इस पर मंथन करना होगा। मसूरी का अस्तित्व रहेगा तो मसूरी रहेगी, अगर नहीं रहेगा तो मसूरी खो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो हमारे पहाड़ के बच्चे हैं राघव और राज बिजलवाड़। उन्होंने अपनी उनकी दूसरी किताब है, दोनों इंडिविजुअली एक एक किताब लिख चुके हैं, और लॉन्गिंग्स ऑफ लंठौर करके उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें आज की मसूरी के बारे में उन्होंने लिखा है। और उन्होंने इस सब्जेक्ट पे एक्सप्लोर किया है कि आने वाले समय का जो मसूरी होगा उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे मसूरी के दो बच्चे इतना अच्छा सोच रहे हैं। बल्कि मैंने उनको इनकरेज किया है कि वो जैसा मंच आज हमने यहाँ पर देखा कि राजनीति से ऊपर उठकर हम लोग सब साथ बैठे, हमने चर्चा करी, मेरी आशा है और मेरी इच्छा है कि ऐसा हम एक मंच क्रिएट कर पाएँ जहाँ पे हम रेगुलरली आकर मसूरी के बारे में बात करें, मसूरी के विकास के बारे में बात करें, और 20 साल बाद का मसूरी कैसा होगा उसकी हम आज से चिंता करें। नहीं तो आपको पता है टूरिज़्म बढ़ता जा रहा है, मसूरी के प्रति लोगों का इतना आकर्षण है विश्व भर में कि हमारे जो टूरिस्ट हैं वो लाखों की संख्या में हर साल यहाँ आते हैं। तो इस सब के बीच में हमारा जो स्थानीय मसूरी का निवासी है उसके इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए, उसकी चिंता हमें आज से करनी होगी। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं राघव और राज को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी दूसरी किताब लिख दी है और बहुत सुंदर लिखते हैं। उनकी किताब कुछ पढ़ने का मुझे मौका मिला, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि जिस सोच के साथ आज वो काम कर रहे हैं वो रेगुलरली मैंने देखा है कि वो स्थानीय मुद्दे भी उठाते रहते हैं। तो हमें ऐसे ही जागरूक युवाओं की ज़रूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका उज्ज्वल भविष्य होगा। इस बुक में जितना हो सका उसमें मसूरी की पूरी आज, कल और जाने वाला कल की बात करी है। मतलब कैसे मसूरी का जो इतिहास है, गौरवपूर्ण इतिहास है, वो कैसे आज कम होता जा रहा है, उस पर हमने एक सोच का डालने की कोशिश करी है। और कैसे ये बुक ने सबको एक करने की, पूरे मसूरी को एक होकर एक मसूरी के ऊपर कुछ करने की बात करी है। उसका नाम है लॉन्गिंग्स ऑफ लंठौर और इसमें 135 पोएम है और 2 ओड्स है। राघव और मैंने इस पूरी किताब में हमने मसूरी को की विरासत को कैसे संजोया जाए उस पर हमने बात रखी है और हमने कहा है कि कैसे ऐसे कुछ तरीके या ऐसे कुछ विचार आगे रखा जाए जिससे मसूरी का जो भविष्य है उसे हम बचाएं और जो उसका विरासत है, जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसे हम इस तरह से आगे ले जाएं और उसे संभाल कर रखें। मेरा मैसेज साफ यही है कि मसूरी की जनता और हमें हमारे कंधों पर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जो हमारे मेरे जो लोग आसपास जो मेरे दोस्त हैं और जो छात्र छात्राएं हैं उनको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर है, हम इस इतिहास को कैसे संजोएं और कैसे आगे ले जाएं, आगे वाले जनरेशन को कैसे ले जाएं, वो अब हमारी जिम्मेदारी है, हमें ये जिम्मेदारी समझनी होगी।